हेलो एवरीवन, कैसे होगा आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टोरेज हंटर सिमुलेटर। तो गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं खूब सारे पैसे कमाने के लिए एंड नए नए आइटम्स ढूंढने के लिए जो कि हमें ऑक्शन में मिलेंगे। अभी हमारा लेवल हो चुका है यहाँ पे 31 सिर्फ ब्लूबेरी विलेज में एंड इसके मदद से हमारा अनलॉक हो चुका है भाई टियर 4 ऑक्शन। तो टियर 4 ऑक्शन में भाई अपने को बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। अभी ऊपर देखो 8 का साइन दिख रहा है, तो अपन ने 8 आइटम दिए हैं। लेजेंडरी है, कुछ रेयर हैं, कुछ ऐसे ऐसे आइटम हैं जो अपन ने एक्सपर्ट्स को दिए हैं वेरीफाई करने के लिए। अब देखो भाई इनका दाम क्या निकलता है। एंड हमने अपने पॉन शॉप में थोड़े बहुत अपग्रेड्स कर लिए थे भाई, ज्यादा नहीं किए हैं क्योंकि अपने पास पैसा इतना हो नहीं रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो भाई हमने अपना जो सेल्स है वो थोड़े बढ़ा लिए थे ताकि यहाँ पे अपन ज्यादा आइटम रख पाए, ज्यादा आइटम सेल पे लगा पाए। प्लस अपन ने वेयरहाउस की कैपेसिटी फुल कर ली थी भाई, क्योंकि इतने आइटम मिल रहे थे मेरे को कि जगह ही नहीं बची यार। तो इधर ये फुल कर लिया है, इधर $400 है ले लो भाई। एंड हमारे बैंक अकाउंट में भी 10,000 है, तो एकदम बढ़िया चल रहा है। इधर अभी तक स्पेशलाइजेशन नहीं किया, तो मैं सोच रहा हूँ कर लेता हूँ भाई। एंड क्योंकि यहाँ पे ज्वेलरी वाला आइटम काफी मिलता है फैशन एंड ब्यूटी मेरे ख्याल से, तो अपने को वो करना चाहिए। फैशन ब्यूटी में अपने को बहुत पैसा मिलेगा इधर, तो अपन उसी के साथ जाते हैं पहले। तो फैशन एंड ब्यूटी 1000 का है, जिसमें अपने को 20% हायर प्राइस मिलेगा एंड लोग ज्यादा खरीदेंगे उसको। तो लेट्स गो, ये अपना क्वेस्ट भी हो गया यहाँ पे। ओ ये क्या था, अरे कुछ आया था मैंने हटा दिया। ओके भाई, ग्रोइंग एम्पायर रीच रिनाउन लेवल 15 इन ब्लूबेरी, फिर लेवल 15 ईस्ट ब्लैक एल्क एंड लेवल 15 वेस्ट ब्लैक एल्क। तो हर जगह अपने को लेवल 50 पहुंचना है। वाह, अभी जो टियर 5 ऑक्शन है वो यहाँ पे 35 हो जाएगा ना लेवल, तब अनलॉक होगा। तो हम लोग चलते हैं कुछ ऑक्शन कर लेते हैं, उसके बाद अपना सामान कलेक्ट करने चलेंगे जो कि एक्सपर्ट के पास पड़ा है। तो यहाँ पे पहले ऑक्शन तो देखे भाई। ओके, टियर 2 ऑक्शन है यार यहाँ पे, अभी कर लेते हैं भाई क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। लेट्स गो, सारे ऑक्शन करते रहने चाहिए भाई। एक आध रेयर आइटम भी मिल गया, लेजेंडरी आइटम भी मिल गया, तो पूरा प्रॉफिट निकल आता है। वैसे तो डबल प्रॉफिट हर बार ही होता है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। ओके, हेलो भाई साहब, कॉबॉय हैट के साथ। हेलो मैडम, इसके बाद कॉफ़ी। ये क्या पिंजरा है? अरे फिर से बॉडी मिल गई भाई। मैं जब भी रिकॉर्ड करने बैठता हूँ मेरे को बॉडी क्यों दिख जाती है? मैंने नहीं डाली है उधर। हद है यार, क्राइम का हिस्सा बना रहे हो तुम। ये बड़ा पनी है यार। चलो तुम गरीब लोग हटो यहाँ से, मेरे को जीतने दो। चिल्ला चोट मत करो। ये क्या था? What is this? मेरे को बोला उसने 407 हो गए भाई, बस इससे ज्यादा मत बढ़ा। 1 2 3 एंड सोल्ड। अच्छा एक्शन है भाई। ऑल राइट भाई, अपन चेक करना चालू करते हैं सबको एक एक करके। ये सब तो कॉमन आइटम है। हाँ भाई, प्लस मैंने टूल्स में ये दोनों लेवल 2 कर लिए क्योंकि बहुत फायदा है भाई। वेरिफिकेशन टूल तो, क्योंकि अब रेयर आइटम भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लस फिक्सिंग में अपना भाई एकदम मतलब $100 बढ़ जाता है कुछ भी अगर बैड से नॉर्मल जाता है तो अच्छी चीज़ है काफ़ी। यहाँ पे तो अभी तक सब आइटम नॉर्मल ही है भाई। फिशिंग जैक, ओके इसको निकालो भाई। ये क्या है? टेबल, एक कसिनो वाला टेबल है क्या? पोकर टेबल, हाँ ये दिखा ना। 264 हो गया। ओके, सूटकेस में कुछ नहीं है, इसको निकालो भाई, जगह नहीं है मेरे पास। ए ओ क्या रहा है सबको? मिलिट्री रेडियो, वाह $38 का। चलो ये भी बेचो। ओके इसमें होगा ना माल भाई। आई थिंक एक अनलॉक करने का भी कुछ वो देना था कि 20,000 का 30,000 का लॉक पिक मिल जाए जो अपन हर चीज़ अनलॉक कर सकते हैं खुद। अब हर बार उसके पास जाना पड़ता है, लॉकस्मिथ के पास। चलो भाई इतना सामान अपन डालते हैं। एक्चुअली में देखो अपने को नई गाड़ी लेनी थी भाई, तो अपन नई गाड़ी भी ले लेते हैं अब, क्योंकि इस गाड़ी में ना ज़्यादा सामान आता नहीं है एंड इधर अभी बहुत सामान है। तो चल के फटाफट से एक नई गाड़ी खरीदते हैं। पता नहीं कितने की होगी, 9,000 हैं, तो होपफुली इसके अंदर हो जाए काम भाई, क्योंकि बहुत सारे आइटम अपने पॉन शॉप में हैं, बहुत सारे आइटम अभी बाहर एक्सपर्ट्स के पास हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी पैसे की अपने को। किधर रहता है गाड़ी वाला? देख तू ना देख। हाँ ये रहा, मिल गया, ऑटो सेल। ओके, पेट्रोल भी फुल है इसमें भाई, थोड़ा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अपने पास दो ही गाड़ी है यहाँ पे। ऑल राइट, तो एक है ये जो कि काफ़ी बढ़िया है भाई इससे तो, और एक ये है भाई साहब, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर चलो प्राइस देखते हैं इसका, 5,000। ओके, एंड जो अपना पिकअप जो अभी करेंट वाला है वो 2,500 में चल जाएगा आई थिंक, है ना कि नहीं? अच्छा नहीं 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 भाई, अपन इसको बाद में 2,500 में बेच सकते हैं। ओके, तो लेट्स गो बाय फॉर 5,000 भाई। ऑल राइट, ले जाएं हम। किधर है?
हेलो, वेयर इज माय गाड़ी? ओ शायद तो गैराज में आ गई होगी। ओके भाई, मैं चिंतित हो गया एक सेकंड के लिए। हाँ नहीं, ये नहीं। हाँ मिल गई, यस यूज। ये कितने में बिकेगी? 1000 में बिकेगी। तो क्या मतलब बेचने का भाई। और प्लस इसकी स्पीड देखो भाई, स्पीड भी बहुत तेज है, तो अपन अब जल्दी ट्रैवल कर पाएंगे हर जगह। और स्पीड से ज्यादा तो जगह इसमें बहुत है ना। ओहो लेट्स गो। एंड इसके बाद शायद एक दो और बड़ी गाड़ियां हैं भाई, इससे भी बड़ी गाड़ियां। चलो 50 चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे भाई मेरे को। अरे भाई स्पीड क्या है इसकी, 100 किलोमीटर। मैं तब से वो छोटी गाड़ी सी कर रहा था, बताओ। ओके तो इधर लगाते हैं अपन, सारी चीजें लोड कर लेते हैं। मेरे ख्याल से एक और ऑप्शन आ गया होगा भाई, अभी देखूँ तो। हाँ लेवल ओके, टीयर 2 ही है बट 227 से चालू है, तो अच्छा फायदा होगा। प्लस अभी 1 बजे एक और ऑप्शन आ गया 3 वाला, तो पहले ये कर लेते हैं भाई। ओके ये रहे लोग, टीयर 3 ऑप्शन, लेट्स गो। इसमें देखते हैं क्या है। अभी टीयर 4 भी आना चाहिए था बट आज नहीं आया। ओके ये चेन सो है, इसका प्राइस मेरे को पता है भाई, अच्छा खासा अगर रेयर वाला मिल जाए तो। और ओ साइकिल भी है भाई, ये शायद से लेजेंडरी वाली रहती है या फिर सब अलग अलग है। मे बी अलग हो, क्योंकि पिछली बार मेरे को लेजेंडरी मिली थी। मेरे ख्याल से 1200 जाएगा प्राइस इसका, डबल तो रहता ही है बिड में। ओके श्रुति मैडम, श्रुति मार रही भाई, तू पंगा मत ले, सिर्फ बाल काट दूंगा, रोते फिरेगा फिर। जीत गए मैं भाई। भाई मैंने शायद अभी तक एक भी ऑक्शन किसी और को जीतने नहीं दिया है सब हमारा ही है। चलो भाई लेट्स सी, 100 कॉमन वाला इक्विपमेंट है ये। ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यूनिक माउंटेन बाइक, चलो ठीक है, इसको अपन जाके एक्सपर्ट को दे देंगे भाई। ये मिला ना टॉय, 140 हो गया। कायक भी मिल गया, वाह नॉर्मल ही है ये। ओके पहले मैं उधर का सामान उठा लेता हूँ भाई, इधर का अपन और देखते रहेंगे। वैसे तो मेरे ख्याल से वैल्यू 678 हो गया ना, एक बार देख लेता हूँ भाई पूरा पैसा कितना हो जाएगा अपने को इसमें से। मेरे को 2 गोल्डन बैंगल में दिख रहे हैं, सिल्वर है सॉरी, ये गोल्डन भी थे क्या? बट देखो ऑलमोस्ट डबल प्राइस तो मिल ही जाएगा अपने को। वैक्यूम, ये जो साइकिल है ना ये मेरे ख्याल से 400-500 की होगी, लेजेंडरी वाली शायद 600 या समथिंग लाइक दैट, ऐसी कुछ थी। अरे रेयर आइटम कितने हैं भाई? तो भाई इधर हो गया ऑलमोस्ट 1600। इसमें देखते हैं भाई चेस्ट में भी कुछ रहेगा। ओके सिल्वर बैंगल एक और, तो ये हो गया अपना 1750। सही है यार, अब इधर रखते हैं हम सामान। ये देखो इसको कैसे फंसाएंगे। अरे नहीं गिर क्यों गया, अरे यार अब फंस जाएगा। हाँ ऑल राइट भाई, सारी चीजें हो गई। ये काफी बड़ा है तो इसको बाद में ले जाएंगे। ये देखो सबको घुसा घुसा के डाल दिया है अंदर, जाके वेयरहाउस में पटकना है अपने को, बाकी अपना एम्प्लॉय हैंडल कर लेगा। ऑल राइट इधर देखो, इधर तो आइटम ही खत्म हो गए। चलो सारे आइटम डाल दिए हमने, एवरीथिंग गुड। एक मिनट में बस ये लॉक्ड वाला निकाल लेता हूँ भाई, लॉक्ड वाला अपने काम आएगा। एंड मैं लॉकस्मिथ को दे आता हूँ ये। चलो भैया अनलॉक कर दो फटाफट से। मेरे ख्याल से एक सेकंड, मैंने शायद मिलिट्री वाले को भी कुछ दिया था अनलॉक करने के लिए, याद नहीं बट देख लेता हूँ एक बार। हाँ ये पड़ा है ना, ये है तलवार भाई, तलवार मिली थी हमें। ये देखो कितने की है, अरे रुक तो जा, 269। एक मिनट रिपेयर करे तो 385 भाई, क्या बात है। इसको जूम जूम करो, हाँ मस्त तलवार है भाई, ये तो महंगी बिकेगी, लाइक 450 में बेच दे काम हो गया अपना। नेक्स्ट अपना प्लान ये रहेगा कि अपन यहाँ पे एक घर खरीद ले भाई, ताकि कुछ बढ़िया जगह पे रहे। अभी तो एक छोटे से कंटेनर में रहते हैं भाई, बढ़िया घर है लेकिन अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए अपने को। गार्डन फिशिंग बस 2 चीज़ बची है, आई मीन 3 चीज़ बची है। हाँ कैसे जाएगी ये, एक खटिया बांधना पड़ेगा भाई परफेक्ट कोई दिक्कत नहीं है गाइस, नहीं गिरेगा। साइकिल और वो फिशिंग नेट भी अभी भी बचा ही है, तो उसको अपन बाद में ले जाएंगे। इन सब को भी मैं और पटक के आता हूँ। अरे भाई ये तो गिरी गई, खटिया गिर गया भाई। एंड ओहो ये लो भाई सारा आइटम। ये क्या, अच्छा इसका प्राइस नहीं देखा मैंने, व्हाट? ओ यानी कि अपने पास परफेक्ट क्वालिटी का सिल्वर बैंगल भाई, 229। नाइस, कितना पैसा हो गया इधर, 2900। ऑल राइट अभी तो बहुत सारी चीजें और हैं भाई इधर। एंड अपन ने स्पेशलाइजेशन मेरे ख्याल से सही चूज किया है। मैं अभी एक दो और स्पेशलाइजेशन कर सकता हूँ, लेकिन यार मेरे को पहले इक्विपमेंट अपग्रेड करना है जो कि वेरीफाई करता है ना, तो ऐसे क्या अपन फिर रेयर के बाद क्या आता है, लेजेंडरी। हाँ लेजेंडरी आइटम भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लेवल 3 चाहिए उसके लिए, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ओ नहीं यूनिक, यूनिक के बाद आता है लेजेंडरी, यूनिक में अपने को लेवल 3 चाहिए जो कि 8000 पे होगा। ओ बाय द वे अपना चेस्ट खुल गया है भाई, तो उसमें जाके देख लेते हैं, अच्छे 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 आइटम उसमें भी होंगे। ये लो भाई सारा आइटम। ओए साइकिल नहीं डालना भाई, साइकिल इधर दो पहले, साइकिल मैं लेके जाऊंगा।
किधर का है ये? स्पोर्ट का है ना यार, इतना दूर क्यों दिया है? खैर दिक्कत नहीं है भाई, अपने पास गाड़ी अब अच्छी है। ओके ओपन करते हैं इसको। क्या है क्या है? एक किताब मिली खराब हालत में एंड पिस्टल। ओके 69 नॉट बैड। हाँ तीन ही आइटम है भाई। भाई 7 बज गए, मैं सोचा था उस साइड जाएंगे लेकिन जा ही नहीं पाए अपन इतना करने के चक्कर में। कल सबसे पहले उधर ही जाऊंगा मैं। चलो सारे आइटम गए इधर, परफेक्ट भाई। अभी अपन गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं एंड सो जाते हैं। फिर कल सबसे पहले अपन चलेंगे एक्सपर्ट्स के पास अपना सारा सामान कलेक्ट करने के लिए। आई थिंक उससे पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि घर कितने का है, थोड़ा आइडिया हो जाएगा अपने को फिर क्या पहले करना चाहिए। घर अगर सस्ता हुआ तो अपन वो ले लेंगे, जो कि मेरे को लग नहीं रहा क्योंकि जब गाड़ी 5,000 की है तो एटलीस्ट 15-20,000 का तो घर होगा ही। ये है ना? नहीं उसके पीछे वाला है। ये रहा हमारा छोटा सा घर, इसमें भाई स्टोरेज भी है, ये अच्छी बात है कि बगल में रहेगा। वो 5,000 का ही है? व्हाट, इधर और कोई घर भी है क्या? नहीं यहाँ पे तो एक ही घर है। वो तब तो सही है भाई। टोटल कितने घर हैं? 1, 2, 3। हाँ टोटल 3 घर हैं यहाँ पे। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। अभी अपन ये घर ले लेंगे, पैसा अपने पास बहुत आने वाला है थोड़ी देर में, फिलहाल जाके सो जाते हैं। चलो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने पहले एक्सपर्ट के पास एंड यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, सॉरी। बताओ 7 आइटम है, यानी कि 2 एक्सपर्ट पे ही 7 आइटम पड़े हैं भाई। लेकिन मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि थोड़ी तेज़ गाड़ी मिल गई अपने को। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में ही आधा घंटा लगता था, मतलब गेम का आधा घंटा। ओके इधर देखो, सबसे पहले तो मैं साइकिल डाल देता हूँ भाई एंड इधर लेते हैं अपन बुल, वायलिन एंड ये स्केलेटन पता नहीं कहाँ से आया भाई। व्हाट, नॉर्मल मैकेनिकल बुल 1,000 का भाई। ये अपने को ऑक्शन में मिला था, क्या बढ़िया चीज है भाई ये। एंड ये क्या है? वायलिन है जो कि 372 का है एंड 284 का, इसको भी इंक्रीज कर देंगे, 407 हो गया भाई। भाई ये रिपेयर टूल काफी अच्छा है क्योंकि जितना अपन रिपेयर करेंगे उतना प्राइस डबल डबल होता जाएगा। ऑलराइट तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1500 का ऐसी सामान है। और अभी अपने को जाना है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाउस होल्ड के पास, उनके पास 4 चीजें पड़ी हैं अपनी। हेलो मैडम, कैसे हो? सर भाई साहब जो भी हो, यहाँ अपने पास एंड्रॉइड का कुछ कुछ सामान था भाई। एंड्रॉइड रोबोट, चिट्टी रोबोट है ये तो, जो कि लेजेंडरी है। स्कोर फिक्स करें 825। वाह, ये है एंड्रॉइड टॉर्सो जिसका ब्रोकन है। बैट 315 एंड 451। वाह भाई। देन विक्टोरियन शेल्फ 385 एंड बाकी तो सही है भाई। भाई यहाँ पे तो 2-3 हज़ार का ऐसी सामान है अपने पास। ओके मेरे को आई थिंक बुल निकालना पड़ेगा भाई, इसको अपन ऊपर से कहीं डाल देंगे। ये डालते हैं सबसे पहले तो, देन उसके बाद अपना पियानो, पियानो लिटा के डाल दूँ क्या? इनको बाहर निकालो या फिर ऐसे आ जाएगा, आ जाएगा ऐसे। और ये जो अजीब से पोजीशन में एंड्रॉइड है इसको इसके ऊपर बैठा दो। सही है भाई, ये एंड्रॉइड का टॉर्सो अंदर डाल दो। हाँ बाकी सारी चीज़ें तो आ जाएगी आराम से, छोटी छोटी है। परफेक्ट, लेट्स गो। यहाँ पे अभी भाई मैं एक्चुअली में वापस आऊँगा क्योंकि इधर एक है ब्लाइंड ऑक्शन। अब ब्लाइंड ऑक्शन में मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, तो बेसिकली अपने को पता नहीं रहेगा कि अंदर क्या माल है, बट हो सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव माल हो एंड अपन तुरंत करोड़पति बन जाएं, है ना? तो वो अभी करने वाले हैं अपन। एक आध ऑक्शन में मिल जाए भाई तो अपना काम हो जाएगा, फिर कभी नहीं करेंगे ऑक्शन। बहुत झमेला है। तो हम सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर कर देते हैं, परफेक्ट। एंड अंदर पैसा देख लेते हैं एक बार कितना हो गया, थोड़ा और कलेक्ट करते हुए चलते हैं। 2309, यस सर, दे दो हमें। एंड अभी 4-5 हज़ार का सामान पड़ा है इधर। ऑल राइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं ब्लाइंड ऑक्शन की जगह पे। लेकिन इधर ऑक्शन होता किधर है? कहीं रजिस्टर करना पड़ेगा क्या भाई? हमारा नाम लिख लो। ओके ब्लाइंड ऑक्शन आर स्पेशल ऑक्शन इन विच यू डोंट नो व्हाट यू आर बिडिंग अंटिल द वेरी एंड। यू कैन लूज और गेन अ लॉट ऑफ मनी हियर। All items are hidden in boxes and at the beginning of the bidding, you only get information about their category and class, indicating the approximate quality. The boxes can hide anything from useless junk to valuable treasures. चल भाई अपन थोड़ा बहुत पैसा इस पे गवा सकते हैं चाहे तो। तो 679 भाई, 8 AM 9 बजे खत्म होगा ब्लाइंड बिड बाजार। लेट्स गो भाई, अपन साइन अप तो कर लिए हैं। क्या जगह है यार, व्हाट? क्या लगता है गाइस, प्रेडिक्ट करो अपन क्या जीतने वाले हैं कि हारने वाले हैं यहाँ? ओके कैटेगरी तो बता ही नहीं यार। ओ एक क्लास हॉबी एंड टॉयज। भाई एक क्लास तो अच्छी होती है ना। अच्छा एक एस फिर ए आएगा ना शायद, तो ए आई थिंक ठीक है। प्लीज भाई जीतने दो हमें, हमें थोड़े पैसे कमाने पड़ेंगे।
देखो अगर प्रॉफिट नहीं भी होगा तो चलेगा, बस लॉस मत करा देना मेरा। अरे यप यप मत करो भाई, 2000 हो गया, जीत गए अपन। खुश नहीं लग रहा है भाई, इसको कुछ पता है जो हमें नहीं पता क्या। ऑल राइट, विन योर फर्स्ट ब्लाइंड ऑक्शन। ओके, इधर भाई क्वालिटी इज परफेक्ट, क्वालिटी इज अच्छा, ये तो लार्ज कार्डबोर्ड की क्वालिटी है भाई। चलो इधर से अपन ये निकालते हैं, लेट्स ओपन दिस। क्या है भाई, चेस बोर्ड। ओके, यूनिक ट्रॉफी, थैंक गॉड कुछ तो एक मिला भाई। 4 ही डब्बे हैं, बताओ क्या ये। पिगी बैंक, वाह इसके अंदर पैसे होंगे ना, उसको तोड़ दो। टॉय कार, ऑल राइट भाई। फिशिंग डेप्थ मीटर एंड व्हाट इज दिस, ओ एक टॉय है, अरे निकल जा भाई। इसका प्राइस 187, अच्छी क्वालिटी है, अभी तक 321 ही हुए हैं भाई, बहुत गंदा नुकसान होने वाला है कुछ तो। ए, ए, गायब हो गया, व्हाट भाई, क्या स्कैम है ये। अच्छा नहीं, नीचे है भाई, यूनिक कॉमिक बुक, रेयर कॉमिक बुक, 222, यस कम ऑन, परफेक्ट क्वालिटी में। ओ भाई आखिरी डब्बा है एंड 600 ही रिकवर हुए, तो कुल मिला के 700 हुआ है अभी। चलो भाई कॉमिक बुक का देखते हैं, अगर रिकवर करा दे तो मज़ा आ जाएगा। मेरे पास एक और आइटम था ना जो रेयर था, उसका भी देख लेंगे भाई। इसको इधर ही डाल दो ना, 50 डब्बे क्यों लेके जाऊंगा, इसको बेच नहीं सकते क्या। $1 तुम ही रख लो भाई, ठीक है, $1 की पत्ती बना के। चलो इसको जाके स्टोर कर लेते हैं अपनी गाड़ी में। गाड़ी अंदर आएगी क्या, आ तो जानी चाहिए थी। ओ नहीं, इधर तो ढलांग वलांग है ही नहीं। बट मेरे ख्याल से कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब अपने को इतना प्रॉफिट होगा कि ये सब लॉस रिकवर हो जाएगा, है ना। ब्लाइंड ऑक्शन का फिर मतलब क्या है, क्योंकि नॉर्मल ऑक्शन में वैसे ही अपने को हर चीज़ में ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट हो ही जाता है, तो इसका कुछ तो पॉइंट होगा, खाली लॉस थोड़ी होगा इसमें। चलो भाई हम चलते हैं, जो कुछ चीज़ें हैं उनको अपन एक्सपर्ट को दे देते हैं भाई, एंड होप करते हैं कि कुछ अच्छी खबर सुना दे वो बस। ओ साइकिल अपनी रिपेयर हो गई, थैंक गॉड। हेलो मैडम, ओके तो आप साइकिल दे दो हमें, एंड इधर से कॉमिक बुक ले लो, एंड व्हाट इज दिस ट्रॉफी, अच्छा हाँ फिशिंग बेट, अरे ये तो मेरे को पता है, चलो कर दो भाई, कहाँ निकालने जाऊँगा मैं। साइकिल कितनी की हुई भाई, साइकिल है 537 की। ऑल राइट, इसको इधर फंसा दो यार कहीं, बस हो गया काम। ओके भाई वेलकम बैक टू आवर पॉन शॉप, यहाँ पे हम डालते हैं सारा सामान। ओके इधर कुछ भी नहीं है भाई जो कि वेरीफाई या कुछ ना किया हो। ये सब क्यों इधर है, जाओ ना अंदर, पता नहीं इनमें भी कुछ सामान था ना। हाँ गया, सब गया। 33 लेवल हो गया भाई, बहुत जल्दी हो जाएगा फिर सब कुछ। इधर है हमारे पास 2987, ओके आई थिंक अपने को घर इधर ले ही लेना चाहिए अब, क्योंकि वैसे भी अपन इतना खर्चा तो कर नहीं रहे कि अपन कंगाल हो जाएंगे, है ना। अभी ब्लाइंड ऑक्शन में रिस्क लिया था बट ठीक है, नहीं चला कोई बात नहीं, स्टिल अभी भी चांस है कॉमिक और जो दो चार चीज़ें अपन ने दी है उससे अगर रिकवर हो जाए तो, वरना तब भी ठीक है। तो यहाँ से अपन एक घर ले लेते हैं ताकि अपन यहीं पे रहें, आसपास ही रहें, एंड यहाँ से ट्रैवल करने में भी अब जल्दी जल्दी आ जा पाएंगे, वरना वो तो बहुत दूर है भाई। तो चलो हमारा नया घर, यस लेट्स गो। इधर कितनी जगह है वैसे, 30 आइटम इधर रख सकते हैं अपन, नाइस। एंड घर देखते हैं, देखो पानी वानी की उत्तम व्यवस्था, देखा मैंने बोला था ना बैकयार्ड, वैसे तो गार्डन बोला था लेकिन ठीक है, गार्डन इज गार्डन। अंदर देखते हैं, हेलो जी लाइट तो चालू करो। फर्नीचर कहाँ है, फर्नीचर लगाना पड़ेगा अपने को। अरे इधर फर्नीचर, ओ एक्चुअली में अपन ऑक्शन का सामान अपने घर में लगा सकते हैं, मेरे ख्याल से लगा सकते हैं भाई, नाइस गुड हाउस। ये वैसे सिर्फ सोने के लिए लिया है अपन ने, एंड ट्रैवल जल्दी हो, मैं अपनी गाड़ी अंदर ले आता हूँ भाई, वरना लोग ठोक ठोक देंगे, गेट बंद नहीं होता, कुछ चोरी कर लेगा तो। द नेक्स्ट डे, ऑल राइट गाइस सुबह हो चुकी है, एंड यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट ने सब काम करके ख़त्म कर दिया है, अब देखते हैं कितना होगा भाई। उससे पहले अपन चीज़ें चलते हैं ऑक्शन पे, ऑक्शन खुल गया हो तो, लेवल 33 वाले 2 ऑक्शन है भाई, तो ये बिल्कुल सही है थोड़ा पैसा रिकवर करने के लिए। ये फिनिश क्यों दिखा रहा है, आज ऑक्शन नहीं होंगे क्या, उधर जाके देखता हूँ, अपने टैबलेट में अपडेट नहीं हुआ। इधर देखो तो फिनिश 8 AM 4 PM, ओके आई एम नॉट श्योर भाई, कुछ तो बग हो गया, मैंने रिस्टार्ट भी कर लिया, कोई बात नहीं शायद कल फिक्स हो जाए वरना गया। अभी अपन आइटम देख के आ जाते हैं भाई, आइटम के क्या प्राइस हुए। वो इधर से डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं क्या अपन, लेकिन किधर जाता है, अच्छा सही तो जाता है भाई, इधर ही जाना है अपने को। कौन है भाई ठोक रहा है, ये सही है, शॉर्टकट मारो निकलते बनो, इतना लंबा कौन घूमेगा। ओके भाई ये कॉमिक बुक अवार्ड, और ये तो अपना पता ही है $10-20 का होगा। लेट्स सी
तो ये तो गुड है भाई, ये है 490 का। ओके एंड ये 322, यानी कि कितना हो गया भाई अपने पास, 600 हो गए थे ना, यानी कि 400 इसके, 300 इसके, मतलब इसके तो 500 है भाई, तो 1500, 1600, 2000 दिए थे, स्टिल 400 के लॉस में चले गए अपन। कोई बात नहीं, होता है भाई, एक और बार ब्लाइंड ऑप्शन ट्राई करना है क्या? इधर तो आया ही नहीं यार ऑप्शन, पता नहीं क्या चक्कर है, आज लगता है ऑप्शन नहीं आएगा, हड़ताल है क्या आज? ओके यहाँ से अपन 3502 कलेक्ट कर लेते हैं भाई, अपने पास वापस 7000 हो चुके हैं। बट गुड न्यूज़ है कि अपने पास अब गाड़ी भी आ चुकी है एंड घर भी आ चुका है एक नया, तो बिल्कुल सही चल रहा है, एकदम सही ट्रैक पे हैं अपन। एंड अपना वेयरहाउस में सब खाली है भाई, क्योंकि पता नहीं ऑक्शन ही नहीं हो रहा आज, तो अब कल तक का और वेट करना पड़ेगा मेरे को। व्हाट इफ भाई अपन एक और ब्लाइंड ऑक्शन ही कर ले? तो तुम लोग चाह रहे थे ना कि हाँ भाई लॉस हुआ है तो रिकवर करो, मेरे को पता है तुम लोग चाह रहे थे, मेरे को कमेंट करके बताओ कौन कौन चाह रहा था, मैं तो नहीं चाह रहा था, बट तुम लोग इतना बोल ही रहे हो तो अभी चलते हैं। चलो गाइस हम लोग एक बार फिर से लुटने आ चुके हैं भाई, आज देखते हैं आज कितने का चूना लगेगा अपने को, होपफुली बच जाए आज। वाह ऑक्शन इधर भी नहीं है, ओके भाई आज तो कुछ पंगा हो गया भाई, मैं तो जाके सो रहा अब। ऑल राइट भाई नया दिन एंड फाइनली ऑक्शन वापस आ चुका है हमारा, पता नहीं कल कौन सी हड़ताल थी भाई, कल सब छुट्टी पे गए थे। ऑल राइट गाइस यहाँ पे लेवल टीयर 3 है भाई अभी भी, चलो ठीक है ये चल जाएगा भाई, टीयर 4 आया क्यों नहीं, एक्चुअली में अब टीयर 5 भी आने वाला है, तो होपफुली अब टीयर 4 वाले ज़्यादा आएंगे, ऐसे ही चलता है ना कि एक टीयर वाले एक टीयर कम वाले ज़्यादा आते हैं। ओह वो क्या है भाई, जस्टिस, ठीक है भाई अच्छा अच्छा सामान लग रहा है, चलो ऑक्शन करते हैं भाई, थोड़ा लॉस रिकवर करते हैं अपन, फिर लॉस कराने चलेंगे। अरे तुम लोग जीतते तो नहीं आते क्यों हो भाई, अपना पेट्रोल ही खर्च कराते हो बस, हैं जीतने तो देंगे नहीं हम, क्या मतलब है आने का, सिर्फ फायदा अपने को और इन मैडम को होता है जो कि मेल वॉइस में ऑक्शन कर रही है। क्या चक्कर है ये, ओके भाई वेरिफिकेशन टूल लेवल 3 नीडेड, अरे यार अभी खर्च कर दूंगा तो उधर खर्च नहीं कर पाऊंगा, एक बार अपन ब्लाइंड ऑक्शन कर लेते हैं फिर देखते हैं कि पैसा बचेगा तो अपन वेरिफिकेशन लेवल 3 कर लेंगे, वैसे भी उधर जाना ही है तो अपन इसको उधर पटक सकते हैं जाके। ओ बेसबॉल बैट रेयर, ओके 153 हो गया भाई इसका, ये क्या स्टैचू, आर्ट एंड कल्चर, ओह भाई बढ़िया चीज़ें मिल गई, नेकलेस भी मिल गया एक और, 40 क्या बात है, माइलस्टोन अनलॉक्ड, ओ भाई इधर लेवल 35 हो गया, यस सर। और यहाँ पे तीन तीन चेस्ट है भाई, लेट्स सी क्या क्या मिलेगा इनमें, तो पहले में तो माउस है जो कि नॉर्मल है पड़ा, ठीक है भाई ये वाला चेस्ट, ओके इसमें क्या टॉय है एक, ठीक है रेयर टॉय 107 का, चलो इसका भी प्राइस बढ़ा दिया अपन ने, 1300 ऐसे ही मिल गया है। अब एक और चेस्ट है जो कि लॉक्ड है लेकिन इसको अपन बाद में देख लेंगे, इसको रिपेयर करते हैं एंड ये हैमर हो गया भाई, इधर टोटल 1400 मिल गए, देख रहे हो डबल सीधा डबल। ऑल राइट सबको रखते हैं फिर चलते हैं अपन, ओके ये तीन चीज ना मैं बाद में ले जाऊंगा भाई, जगह ही नहीं है। 10000 तो हो गए हैं अपने पास भाई, अगर 15000 तक हो जाते ना तो वेरिफिकेशन टूल में फटाक से कर लेता अनलॉक, फिर बढ़िया यूनिक आइटम के लिए भी जाना नहीं पड़ता। अनलॉक करो चाचा हम आते हैं थोड़ी देर में। ओके मैडम ये लो पहला तो स्टैचू, 6 घंटे लगेंगे भाई इसमें। दूसरा क्या है, दूसरा पेंटिंग है ना, हाउस होल्ड का सामान है भाई, ये भी तो आर्ट ही है, ये पेंटिंग है ना, वेट व्हाट, फ्रेम है सिर्फ, है फ्रेम इतना महंगा क्यों है भाई, मेरे को समझ नहीं आया। अब चलो फ्रेम भी है तब भी वो आर्ट ही है ना, वो फर्नीचर में क्यों है, हाउस होल्ड आइटम में, अजीब बात है। ओके भाई साहब ये लो आप भी ये करो, अब हम चलते हैं थोड़े पैसे उड़ाने के लिए, देखते हैं आज कितने पैसे उड़ेंगे अपने। ओके देखते हैं ऑक्शन में क्या है, वो तीन तीन है भाई, 581 455 568, सबसे महंगे वाले पे जाएंगे अपन, हटाओ 581, अच्छा वो तो तीनों भी कर सकता हूँ भाई, लेकिन ये 2000 प्राइस चला जाता है ना तो बड़ी दिक्कत है भाई, इसमें 6-7 डब्बे हैं, दैट्स गुड, मेरे को पहले देख लेना था क्या। सी क्लास आर्ट एंड कल्चर, अबे आई डोंट नो, ले लेते हैं भाई, रिस्क ले रहे हैं तो लेते हैं, अब पता नहीं ना कितना बढ़िया मिलेगा उसमें या मिलेगा भी कि नहीं कुछ। अरे भाई 1600 चला गया, ले लो भाई तुम ले लो, मैं नहीं ले रहा क्योंकि सी क्लास है यार, क्या करेंगे लेके, सेलिना गोमेज। मेरे को नहीं लगता इसमें ज्यादा अच्छा होगा कुछ भाई, वो वाला ऑप्शन अच्छा हो सकता है इसमें, देखो इसमें भी 4 डब्बे है ना, 1 2 3 4, इसमें एक्चुअली में ज्यादा डब्बे थे, और इसमें भी हैं 1 2 3 4 5 डब्बे। ओके ये बीच वाला ट्राई करते हैं अपन, मेरे को एक्चुअली में भरोसा नहीं आ रहा था उस पर, इधर से देख सकते हैं अपन, कुछ दिखा दो यार कुछ तो बता दो उसके बारे में। सी क्लास मिलिट्री,
मिलिट्री इक्विपमेंट में भी अपने को फायदे का हो सकता है। चलो ट्राई करते हैं भाई अपन। चलो 1100 इज ओके आई गेस। ऑलराइट भाई लेट्स सी क्या सामान निकला। ओके कट्टा हैंडगन ठीक है भाई। व्हाट इज दिस बाइनोकुलर्स $100 का मिला है भाई। इधर देखते हैं एक भी रेयर आइटम नहीं है भाई। व्हाट इज दिस हे भगवान। ओके मिलिट्री फ्लैश लाइट 73 रिपेयर भी मेरे को ही करना पड़ा 146। चलो 313 हुआ भाई आखिरी डब्बा एंड आई थिंक हम अगेन लॉस में है। मिलिट्री मील मिली भाई। मील का तो कुछ फायदा ही नहीं है। कैनन बॉल रिवॉल्वर यूनिक एक चीज मिली भाई। अभी वैल्यू है 337। 1100 कॉस्ट हुआ है इसका। ये सब भी देख लेता हूँ एक बार भाई। इधर अपन ने नहीं किया था। ओके टोटल तब भी अराउंड 500 ही हुआ। वेरी नाइस अमेजिंग है। अगला ऑप्शन भी करूंगा भाई। अब इतना लॉस्ट कर ही लिया है तो अपन थोड़ा और खो सकते हैं। ऐसा नहीं है कमा लेंगे बाद में। देखो मैं पहले ही भविष्यवाणी कर रहा हूँ इसमें अपन कमाएंगे बहुत पैसा। देखते जाओ तुम। ये होगा असली माल वाला कंटेनर ज्वेलरी ज्वेलरी से भरा हुआ। एक ग्लास पोर्ट्स ओके। देखो 600 अपन ने उसमें 600-700 रुपए उसमें गवाए हैं। और इधर देखते हैं आई थिंक एक ग्लास है तो भाई जितना अपन ले लेते हैं। मेरे को समझ यार एक लाख बताई क्यों रहा है जब उसमें नॉर्मल आइटम है सारे। पैसा तो रिकवर होता नहीं है। ओके कम ऑन ओके 1728 लेट्स सी भाई दिस इज सेफ। ओहो वेट अ मिनट एक मिनट खुला हुआ है शायद। क्या बात है भाई सेफ में टेप रखा है। देख रहे हो तुम दिस इज लाइक बियॉन्ड साइंस भाई। सेफ में टेप रखा हुआ है। क्या बोलूं मैं अब। एक बॉल भी पड़ा है भाई रेयर। ओ गुड क्वालिटी चलो 181 ओके दैट्स गुड स्टार्ट। आगे देखते हैं। चलो एक और रेयर बैट गुड क्वालिटी 409। एक और रेयर बेस बॉल एक सॉकर बॉल। ओ भाई अच्छी अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। अच्छा तो सामान की क्वालिटी वो क्लास के हिसाब से डिसाइड हुई है। ओके ओके मैं शुरू में शायद पढ़ा नहीं ना वो सही से। परफेक्ट क्वालिटी यस ओके इसमें निकलेगा भाई मैं बता रहा हूँ ना इसमें निकलेगा कुछ। 1000 तो हो गए 2 डब्बे हैं अपने पास अभी भी। कुछ भी निकल रहा है 2 डब्बों में मजा आ जाएगा। ओके जिम बॉल अरे नहीं भाई ये क्या जंपिंग रोप वाह खरीद नहीं सकता मैं ये। चलो परफेक्ट क्वालिटी की 3 चीज़ें और निकल गई 1100 हो गया। आखिरी डब्बा भाई ये खाली नुकसान कराने के लिए इसमें फ़ायदा कुछ नहीं है। वॉलीबॉल परफेक्ट क्वालिटी स्नोबोर्ड 328 1470 भाई साहब ठीक है अराउंड 300 का नुकसान हुआ भाई। कोई बात नहीं चलता है गाइस 300 का इधर 700 का उधर 1000 का टोटल नुकसान हो गया। ठीक है भाई देखो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड यही होता है। चलो भाई मैं ये सारे डब्बे जाके ठिकाने लगा दूंगा एंड अपने पास जो 2 आइटम और पड़े हैं उनका भी अपन प्राइस देख लेंगे। मेरे ख्याल से 400-500 तो मिल ही जाएगा भाई तो थोड़ा नुकसान कम हो जाएगा भाई। बट आई थिंक अपन फिलहाल के लिए एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग। अगले एपिसोड में मिलेंगे अपन खूब सारे और पैसे कमा के एंड हम लोग खूब सारे अपग्रेड्स करेंगे। और पॉन शॉप में थोड़े अपग्रेड बाकी हैं अभी। फिर हमें अगले सिटी में भी एक नया पॉन शॉप खरीदना है वहाँ पे भी बिजनेस बढ़ाना है तो बहुत कुछ करना बाकी है भाई जो आराम से करते रहेंगे हम। तो अगर आप लोग को इस एपिसोड में मजा आया हो तो प्लीज लाइक बटन दबा देना। हम लोग जाते हैं 350 लाइक के लिए तो 350 लाइक करवा दो भाई फटाफट से। सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हो तो। एंड मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी सून।